ओम शांति। सुनने के लिए आए या बदलने के लिए आए? क्योंकि हमें ज़्यादा आदत क्या है, सुनते हैं टन भर, सोचते हैं मन भर, करते हैं कण भर, है ना? इसलिए लक्ष्य को पहले चेक करो कि आने का लक्ष्य क्या है। कभी भी 5 मिनट भी योग में बैठो तो लक्ष्य चेक करो। बिना लक्ष्य के 3 घंटे बैठे रहो, लक्ष्य के साथ 5 मिनट बैठ जाओ। जैसे सूर्य की रोशनी के नीचे अगर कागज का टुकड़ा रख दे, पूरा साल रखा रहे लेकिन भस्म नहीं होगा, लेकिन एक लेंस के द्वारा थोड़ी सी किरणों को एकाग्र कर दिया जाए तो जो कार्य पूरे वर्ष में नहीं हुआ वो कुछ क्षणों में हो जाएगा। मन की शक्ति का भी ऐसा ही होता है कि हम किस लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। लक्ष्य से ही लक्षण आते हैं। लक्ष्य अगर दृढ़ है तो एक दिन में भी परिवर्तन होता है, नहीं तो 20 साल में भी नहीं होता है। इसलिए पहले तो अपने लक्ष्य को परिवर्तन करो। क्या सोच के आए आज, कोई बताओ? घर से चले आज तो थोड़ा, फिर भी सवेरे थोड़ा सा डोज मिल गया था इसलिए थोड़ा लक्ष्य तो बेटर होगा ही। फिर भी हम जानना चाहते हैं क्या लक्ष्य लेके आए, कोई भी बताओ। तो आज नुमा शाम में संपूर्ण, देखो ये रटा हुआ उत्तर दे दिया। ठीक, चलो सवेरे की क्लास से दृढ़ता तो दिखाई दे रही, लक्ष्य में थोड़ी दृढ़ता तो दिख रही है, पर अभी प्रॉपरली डिफाइन नहीं हो पा रहा है। जब भी आओ तो भले ही मैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, कि आज मैं आत्मा इस पवित्र संगठन में बाबा के घर पे जा रही हूँ भट्टी करने के लिए, और मैं विशेष परिवर्तन करके आऊँ, जो भी बताया जाएगा, जैसे सवेरे क्रोध का, आवेश का, जोश का बताया, तो मैं उसे विशेष परिवर्तन करके ही आऊँगी। जब ये दृढ़ संकल्प होता है तो फिर थोड़े समय में भी ज़्यादा प्राप्ति होती है। सवेरे होमवर्क दिया था एक, कौन कौन थे सवेरे की क्लास में? ठीक है, होमवर्क दिया था, अटेंशन रहा, विजय हुई। अच्छा अच्छा, परिस्थिति आई या बिना परिस्थिति के विजय हुई? अच्छा, नहीं आई फिर भी शांत रहे तो चलो बधाई है, पर परिस्थिति आई और सवेरे का संकल्प लगाया और पास हुए, वो हाथ उठाओ, बताओ क्या परिस्थिति। हाँ बताइए, खड़े होके बताओ क्या बात आई। तो आपने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने होमवर्क किया? अच्छा, या इतने आराम से बोले कि बच्चे सिर पे नहीं चढ़ जाएंगे? क्या समझते आप लोग? नहीं, अगर इतना आराम से बोलेगी तो बच्चे सिर पे नहीं चढ़ जाएंगे? ये मैंने वो बोला है जो लोग मानते हैं। हाँ, अगर गुस्सा नहीं किया तो बच्चे बिगड़ जाएंगे,
गुस्सा नहीं किया तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, तुम तो अभी बिगड़े हुए हो, गुस्सा करने वाला तो बिगड़ा हुआ है ना। ताली बजाओ इसके लिए। शांति की शक्ति बड़ी या क्रोध की? नहीं नहीं, शांति की शक्ति बड़ी या क्रोध की? हाँ बस ये बिलीव सिस्टम में चेंज कर लो, शांति से ही जीतना है। ठीक है, बैठ जाओ। और कौन सुनाए? हाँ जी, ये हिसाब लगा के गुस्सा रोका इसने कि जब उनका 9000 का टूटा तो गुस्सा नहीं किया, तो ये तो 50 रुपये का है। चलो, तो मतलब हमारा गाड़ी का ग्लास टूटा हुआ सफल हो गया भाई, शिक्षा मिली ना उसको कि जब 9000 का गाड़ी का ग्लास टूटने पे भी शांत रहा जा सकता है, तो ये तो छोटा सा काफी था। अच्छा, आपने सोचा होगा सेट खराब हो गया, 5-6 का सेट तो होगा उनका पोल। अच्छा, कईयों को ऐसा होता है 6 का सेट था, एक टूट गया, सेट ही खराब हो गया। ऐसी माताओं से मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारे घर में मेहमान 6-6 के सेट में ही आते क्या? अच्छा, 6 में से जो 5 रह गए, नहीं जो 5 रह गए, क्या वो उदास हैं कि हमारा साथी कहाँ चला गया? है ना, क्या पड़ोसों ने आके बोला बेंजी छठे वाला दिखाई नहीं दे रहा? हम ही वैसे ही परेशान हैं, सोच सोच के परेशान। चलो ताली बजाओ इनके लिए भी। प्रयोग कीजिए ये छोटी चीज़ें, इससे धीरे 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 बड़े प्रयोग पर भी जाइए। सवेरे हमने आपके संकल्प में एक चीज़ करेक्ट की थी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, पर मुझे शांति, धैर्य, प्रेम, क्षमा, दया, रहम, करुणा, शुभ भावना, शुभ कामना, कितने सुंदर अस्त्र और शस्त्र दिए हैं बाबा ने, इनसे मुझे जीतना है। अगर टीम ए बनाई जाए, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, रहम, क्षमा, दया, और बी टीम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, पर चिंतन, जीत किसकी होगी, ए की या बी की? पक्का बोलो, पक्का होगी, तो बी को यूज़ क्यों करते हो? पक्का कर लीजिए, क्या हमें जीवन में क्रोध की आवश्यकता है? नहीं, अंदर चल रहा हो तो बोल दो, कहीं तो जरूरत होगी, कहीं थोड़ा सा, थोड़ा हल्का सा है नहीं? हाँ, ये फाइनल कर लो, क्रोध की आवश्यकता नहीं। ईर्ष्या द्वेष की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, और जिनके अंदर क्रोध है, आवेश है, जोश है, क्या वो राम राज्य स्थापन कर पाएंगे? मैं इसको बहुत गहराई से सोचता हूँ, इसको अंदर तक, क्या वो लक्ष्मी नारायण के आसपास कहीं आ पाएंगे? बनना क्या, लक्ष्मी नारायण सत्युग के देवता या त्रेता के लास्ट वाले? सत्युग के प्रारंभ में जो होंगे तो संगम पर ही पुरुषार्थ करना होगा, तो कौन आने वाली सृष्टि के स्थापक कौन होंगे, शांति वाले या क्रोध वाले? परिस्थिति मत सुनाना, सवेरे अभ्यास कराया था, परिस्थिति तब बड़ी होती है जब आप बाप का हाथ छोड़ते हो,
वरना कोई परिस्थिति बड़ी नहीं है, हमारी सोच ही परिस्थिति को बड़ी बनाता है। हम ही राई का पहाड़ बना सकते हैं और हम पहाड़ को राई। अब सवेरे संकल्प दिया था तो कितनी बातों को छोटा कर दिया, ठीक है। बाबा को भूल जाते हैं इस कारण से, अकेले मैं अगर अकेली आत्मा पुरुषार्थ कर रही हूँ फिर तो माया मेरे से बड़ी है। अगर अकेली मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, युद्ध कर रही हूँ, तो माया जीतेगी ही जीतेगी। और अगर मैं और बाबा हैं तो किसी का जीतने का सवाल नहीं। इसलिए ये बात ध्यान रखना कभी कि बाबा सदा मेरे साथ है, ठीक है। हमारी दो तरह की यात्राएं चल रही हैं। बाबा भी एक यात्रा की बात करते हैं कि अभी तुम यात्रा पर हो, याद की यात्रा पर हो। जो तीर्थ स्थानों पर जाते हैं वो बाबा उसकी बात करते हैं। एक यात्रा दूसरी होती है जब हम कहीं जाते हैं 100-200 किलोमीटर कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है। मानो आपको यहाँ से एयरपोर्ट जाना है तो ड्राइवर का ध्यान किस पर रहता है? मानो किलोमीटर ज़्यादा है, आप तो एयरपोर्ट वाली नगरी में ही बैठे हैं, मानो 200 किलोमीटर चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो किस बात पर ध्यान रहता है? जल्दी पहुँचे और जब वो चला रहा होता है ध्यान दें, जो भाई भाई ड्राइविंग करते हैं वो जल्दी पकड़े। सड़क पे किस चीज़ पर? रास्ता तो जो गवर्नमेंट ने बना दिया सो बना दिया, वो तो आजकल तो ठीक अच्छी रोड बना दी गवर्नमेंट ने, पहले गड्ढे वाली थी जाते तो फिर भी थे। और कुछ सेफ्टी तो आपकी कुछ तो गाड़ी में फिटेड है, कुछ आप सावधानी से चलाओगे। वो हाँ ठीक है, देखो होने दो, ये तो चलने से पहले सोचोगे ना, रास्ते में तो नहीं। हाँ जी डिस्टेंस पर, हाँ ड्राइवर का ध्यान ज़्यादा जाता है हर किलोमीटर पे, वो आता है ना दिल्ली 199, अपने आप उसकी नज़र जाती रहती है दिल्ली 150, ठीक है। अब उसके बाद उसकी नज़र घड़ी पर जाती है, 150 है, टाइम कितना बाकी है। ये दोनों चीज़ें ड्राइवर रेगुलर देखता रहता है, पहले देखेगा कि कितना दूर है, लक्ष्य कितना दूर है, दूसरा देखेगा समय कितना बाकी है। अब अगर कम समय रह गया, मानो 100 किलोमीटर है अभी लक्ष्य और समय आपके पास 2 घंटे और एयरपोर्ट पे पहुंचना भी जल्दी, ठीक, कम से कम 1 या 1.5 घंटा पहले पहुंचना, अब कहां पर जाएगा ध्यान? अब पाँव पर प्रेशर बढ़ेगा। यानी ड्राइवर पहले देखता है किलोमीटर, दूरी, लक्ष्य, फिर देखता है समय कितना बाकी है, उसके हिसाब से गति को कंट्रोल करता है। अब हम भी यही देखेंगे, समय कितना बाकी है, पहले तो दूरी कितनी है। दूरी क्या है हमारे मार्ग में, कि फरिश्ता की स्थिति अभी कितना दूर है, क्या कहेंगे बोलो बाकी सभी? ये चेकिंग ना होने के कारण इसलिए हम ढीले चलते हैं। फरिश्ता स्थिति आसान है बनाना या ऊंची मंजिल है या साधारण मंजिल है? ऊंची मंजिल है, बहुत ऊंची मंजिल है ना। इसको दूसरे शब्दों में कहो, काम कितना बाकी है अभी? बहुत बाकी है पुरुषार्थ का काम। समय कितना बाकी है? पुरुषार्थ बहुत बाकी है, यानी आज की स्थिति से फरिश्ता बनना, और समय बहुत कम है, तो अब क्या होना चाहिए? स्पीड तेज होनी चाहिए।
होनी चाहिए। स्पीड तेज करने के लिए आपको बाबा ने बोला कि सुना और किया। तो गति अगर तेज नहीं करेंगे, अब गति तेज करने में अभी जैसे उन्होंने कहा था कि सामने वाले ट्रैफिक पर, अब मानो आपकी किलोमीटर तो 100 रह गया पर आपके सामने जो है एक शराबी शराब पिए हुए और ऐसे चल रहा है, वो अपने मज़े में चल रहा है, उसको एयरपोर्ट नहीं पहुंचना, अभी क्या करोगे? आपकी स्पीड तो कम कर रहा है ना वो, तो क्या करोगे अभी? हाँ, बचा कर बचेंगे, पीछे चलोगे इसके? हाँ, बचाएंगे, बचा करके ओवरटेक करेंगे, ठीक है, उसको फॉलो तो नहीं करेंगे ना। ये आपके सारे रिश्तेदार संबंधी वो शराबी है, आपका बेटा अपने नशे में जा रहा, पति अपने नशे में, देख लो, उनके पीछे चले तो फरिश्ता बनने वाले नहीं, समय देख के आगे निकल जाओ, ओवरटेक कर लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कर्म बंधन ही दुख देते ना हम, कर्म बंधन जिनके साथ पार्ट प्ले कर रहे उन्हीं में फंसे पड़े, आधे से ज़्यादा शक्तियाँ उन्हीं में वेस्ट हो रही, इसलिए हमने तो ये डिसाइड किया है किसी से टकराना नहीं। अच्छा, मानो कोई, अब आपको जाना है, पहुंचना है टाइम से मंजिल पर, अब कोई और ही आ गया, वो अपने दूसरे नशे में आपकी गाड़ी को मार गया थोड़ा साइड में, अभी क्या करोगे? हाँ जी, नहीं उसको रोक के लड़ोगे? नहीं, अभी तो देखो याद है, लेकिन वहाँ हम क्या करने लगते हैं, वहाँ रुकेंगे और उससे हम आर्ग्यूमेंट करेंगे, वो गाड़ी वाली बात नहीं, रिश्तेदार संबंधियों में किसी से भी यदि आपके संस्कार टक्कर खा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? नहीं, टक्कर खा रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने आप को बचा नहीं पा रहे, आपको खुद को बचाना है, दूसरा अगर आए भी तो भी हमें सावधान रहना है, केवल अपनी ड्राइविंग परफेक्ट ना हो, दूसरा भी अगर मार रहा है टक्कर आके तो भी मुझे सेफ रहना है। तो पक्का कीजिए कि अब अगर फरिश्ता जल्दी बनना है, समय पर मंजिल पर पहुंचना है, किसी से टकराना नहीं है। मैं जब मधुबन में गया, 4 साल हो गए, मैंने बिल्कुल पक्का किया, कुछ भी हो जाए, कोई आकर के चाहे हिसाब किताब लेने के वश टकरा भी जाए आके, तो भी मुझे नहीं टकराना, क्योंकि अगर हम टकराए तो क्या होगा, भले पुलिस भी बुला ली पर आपकी फ्लाइट तो छूट जाएगी, आप समय पर फरिश्ता नहीं बन पाएंगे। तो अब ये डिसाइड करो कि आपको समय पर बनना या दूसरों के पीछे पीछे चलना, दूसरों की वेट करना या खुद बनना, बोलो। तो आज पक्का करो, किसी के लिए ना ईर्ष्या ना द्वेष ना मन में टकराहट, अपने मन को तो रोक सकते ना, चलो दूसरे ने कोई हिसाब लेना वो टकरा गया आकर, वो पिछला हिसाब किताब समझ के चलो, पर मुझे किसी से टकराना नहीं, मुझे कोई नया कर्म बंधन बनाना नहीं, 63 जन्मों में ही बहुत बनाए हुए, उनको ही चुकाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है बात? ओके, तो इसमें भी फिर वही पॉइंट आएगी कि क्रोध नहीं करना, परचिंतन नहीं करना, मन के अंदर भी परचिंतन किया तो हिसाब किताब बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है? अब बाबा ने 2022 की मुरली में कहा था कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, दृढ़ता ही, लेकिन ये चाबी माया को चुरानी आती है, ये चाबी ज़्यादातर की माया अपने पास रखती है, इसीलिए परिवर्तन नहीं हो पाता। आपको संकल्प जो रचना है वो दृढ़ संकल्प रचना है,
कमजोर संकल्प से परिवर्तन नहीं होगा। शक्तिशाली संकल्प जो बाबा ने कहा है, व्रत द्वारा वृत्ति को परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन के लिए आपको खुद से व्रत लेना है। जैसे हम वो सोमवार मंगलवार का व्रत रखते थे, अब भले सारे परिवार का नहीं है, अगर मैंने ठाना हुआ है कि ये मेरा व्रत है तो मैं अपने आप को उस टाइम उस व्रत के अनुकूल चलाती मैं आत्मा। अब भी जो हमारे व्रत है, जैसे पवित्रता का व्रत ब्राह्मण बहुत अच्छा फॉलो करते हैं, फिर भी जो कि सबसे बड़ा चैलेंज था, माया का सबसे बड़ा चैलेंज एक ही घूंसे से वो गिरा दिया बच्चों ने। ताली बजाओ इसके लिए, सोचो। लेकिन दूसरे ने हैरान परेशान किया हुआ। अगर ये मधुबन से रिटर्न में आ जाए, ये तो आता है कि एक साल से जो पवित्र है वो बाप दादा से मिलन मनाने आए। अगर दूसरी लाइन ये आ जाए कि जिन्होंने एक साल से क्रोध नहीं किया केवल वही आए, अब बताओ डायमंड हॉल की जरूरत रहेगी क्या? है हिस्ट्री हॉल में काम चल जाएगा, है ना? हाँ, तो अब तो फाइनल का समय आ रहा है ना, अभी बिल्कुल ख़त्म करना है या थोड़ा सा रखना है, ठीक है? आपको परिस्थितियों की वेट नहीं करो, लोगों के बदलने की वेट नहीं करो, आप खुद से संकल्प करो कि मुझे मुक्त होना है बस। और जिसने सोच लिया कि मुझे मुक्त होना है उसको कोई रोक नहीं सकता, ड्रामा अपने आप आपके रास्ते खोलता चलेगा। दृढ़ संकल्प में इतनी शक्ति होती है, खुद ब खुद रास्ते बनते जाएंगे। और जो बाबा की श्रीमत के अनुसार संकल्प रचते हैं, संकल्प श्रीमत अनुसार होना चाहिए, उनके रास्ते की बाधाओं को ख़त्म करना मेरी जिम्मेवारी है, ये बाबा ने कहा है। बाबा की जिम्मेवारी है। मानो अगर मेरे को लगन है कि मुझे फरिश्ता बनना, अंदर अग्नि लगी पड़ी है, लेकिन हिसाब किताब बहुत है, चाहे वो लौकिक परिवार के हैं, बिजनेस कारोबार के हैं, कुछ भी हिसाब किताब है, शरीर के भी हैं, लेकिन अगर मुझे लगन है तो क्या भगवान मदद करेगा या नहीं करेगा? अच्छा, सिर्फ मेरी करेगा या तुम्हारी भी करेगा? बस यही तो समझो, हम विघ्नों के अंदर अपनी बैटरी को लो कर लेते हैं और फिर ये उम्मीद करने लगते हैं कि विघ्न ठीक हो जाए ना फिर मैं तेज चलूँगी। नहीं, आप अपने संकल्प को दृढ़ बनाओ, विघ्न बाबा दूर करेगा। क्योंकि बाबा के दो स्लोगन हमेशा याद रखो, सच्चे दिल पर साहिब राज, लिख लो ये दिल पर भी लिख लो और डायरी पे लिखना है तो डायरी पे भी लिख लो। और दूसरा है हिम्मत ए बच्चे मत दे खुदा, ये दोनों को यूज़ करके देखो। भक्ति में एक बात कही जाती है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर, है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर, है पाँव तेरे फिर भी तू आने से है मजबूर। अगर कोई भी चीज़ मेरे को बाबा से दूर कर रही है, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ खोट है, ठीक है? उस खोट को दूर करना। और एक और आता है भक्ति में, गीत का एक पोर्शन है, जब तुझ से न सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे। 63 जन्मों के कितने धंधे हमने बनाए हुए, हिसाब किताब बनाए हुए, मानो आप सोच सोच के भारी हो रहे हो, रास्ता नहीं दिखाई देता। कई बार ज्ञान सुनने के बाद भी रास्ता नहीं दिखाई देता क्योंकि ज्ञान प्रॉपर समझ में नहीं आया। जब तुझ से न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा जो तू नहीं कर पाया हो भगवान। ये है बाबा बैठा है, इतना सुंदर प्रिंसिपल है, 4 कैप्सूल लिख लीजिए।
चार कैप्सूल। बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है। देखो ये चार बातें, ये लिख लो, ये रटनी है, इसको पहले रट लो। बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, बाबा सब संभालेगा। मैं तो बाबा की हो गई, चार बातें लिख लो। और ये भूलनी नहीं चाहिए, कभी भी भूलो नहीं इसको। क्या क्या बोला? अब इस एक एक बात को फीलिंग के साथ दिल में समा के रखना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी लाइफ में। बाबा सब संभालेगा। और अब हमारे जीवन का जिम्मेवार कौन है? जब हम जिम्मेवारी अपने सिर पे उठाने लगते हैं तो बाबा साक्षी हो जाता है। फिर वो देखता है, जब हम अपनी अकल चलाते हैं तो फिर बाबा किनारे हो जाते हैं, फिर मदद नहीं मिलती। जब हम सरेंडर हो जाते हैं तो फिर बाबा की मदद मिलती है। ठीक है, बाबा बैठा है, बाबा बैठा, कोई भी बात आए आपको सिर्फ बोलना है बाबा बैठा। ठीक है, तो तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए ये बहुत काम आएगा। अब कोई भी बात, अब हमें तो इतना अच्छा अनुभव इसका हो गया, कोई भी बात आती भी है तो इतना ही बोलना पड़ता है, बस बाबा बैठा है, बाबा जाने, बस। हमारे जीवन का भी जिम्मेवार जब बाबा है। अब वो घटना याद करो, जब 350 का भोजन बनना था, सुनिए अपनी कहानी, सिर्फ सुनिए, समझ भी आ गई है पर समाया नहीं है, समझ से भी आगे चलना। जैसी परिस्थिति बाबा पे आई ऐसी आप पे आए, तो जैसी स्थिति में बाबा था वैसी में रह लोगे? फिर क्या समझा? यही हमारी गड़बड़। हम समझते हमने ज्ञान सारा समझ लिया। अगर समझ लिया तो फिर कंपेयर करो, जैसी परिस्थिति बाबा पे आई, 350 का भोजन बनना था, 11 बज गए, भंडारे में कुछ नहीं है। आप सोच के देखो, एक नॉर्मल भाई बहन है ना, अगर सिर्फ नमक की थैली नहीं, सिर्फ नमक की थैली घर में नहीं, और कल शाम को सामान आया और आपने लिस्ट में लिखी थी पर आई नहीं, वो छूट गए, इस बात पे भी गुस्सा कर देंगे कहीं तो? इस बात पे भी एक मिनट तो चिड़चिड़े हो ही जाएंगे। कल बोला था ना नमक लाने के लिए, नमक नहीं लाए, है ना? भाई मुस्कुरा रहे, डांट पड़ती होगी ना, है ना? इतनी बात पे भी टेंशन, जबकि सड़क पार दुकान है, जेब में पैसा पड़ा है, जेब में पैसा है, सड़क पार दुकान है और दुकान में सामान है, तब भी टेंशन हो जाती। और वहाँ बाबा के पास कुछ भी नहीं था, बैंक में बैलेंस नहीं था, 350 का भोजन बनना था, 11 बज गए थे, 1 बजे घंटी बजती थी। अब भंडारी बाबा के पास आती, आप बात को समझना, थोड़ा दिल में लेके जाओ। जानते तो सभी, सबने सुनी होगी कहानी, पर जब तक इसको सुन के अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया तब तक समझो समझा नहीं। अब सोचो बाबा उस समय किस स्थिति में बैठा था, ब्रह्मा कोई छोटी अस्थि थोड़ी था, किस स्थिति में था बाबा? राजाओं की तरह से बैठता था, है ना? दादियाँ बताती हैं, बाबा ऐसे ही बैठा है, और दादी ने कहा कि बाबा भंडारे में कुछ नहीं, तो बाबा कहता 1 बजे घंटी बजा दे। निश्चय को समझना थोड़ा इसमें, भंडारे में कुछ नहीं, कोई दुनिया वाला सुने तो कहेगा पागल हो गया, ठीक है ना? आपके बच्चे ही आपको पागल बोल देंगे, अगर ऐसा निश्चय में आप दिखाई दो तो बच्चे ही पागल बोल देंगे। और
बाबा ने कहा घंटी बजा देना, मांगने मुझे जाना नहीं, मांगने से मरना भला। अच्छा, मैं इस घटना को बहुत अच्छी तरह से चिंतन करता हूँ, क्या उस वक्त बाबा ऐसे कर रहा होगा, हे शिव बाबा तू इलाज बचाना आज। हाँ, साकार में जिम्मेवार कौन था? वही था ना जिम्मेवार। और जब वो जिम्मेवार था तो टेंशन क्यों नहीं इतनी बड़ी बात में? ये ऊंची आवाज में मत बोला करो, ये तोते बोल रहे, ये तोते बोल रहे, इसको फील करो। रटे पड़े, सब ज्ञान रटा पड़ा है। निश्चय था तो आज तक क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं पैदा किया, समझे? ज्ञान कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलना, ये सब पता लगता, दिमाग के रटे हुए उत्तर दिए जा रहे हैं। फील करो, कितनी बड़ी बात, छोटी बात है क्या? ऐसी स्थिति में निश्चय रखना छोटी बात है? 11 बज गए हैं, 350 का भोजन बनना है, घर में कुछ नहीं है, और वो इंसान कहता है घंटी बजा देना 1 बजे। फील करो उसका निश्चय की क्वालिटी क्या है, घंटी बजा देना। जब ऐसा निश्चय होता है, अचल अडोल निश्चय, वो कब क्यों था निश्चय? क्योंकि ये बच्चे मेरे नहीं हैं। अब आप देखो, आपके तो 2-3 होंगे बच्चे लौकिक में, क्या ऐसे वाला निश्चय है? छोटी सी बात पर हम विचलित हो जाते, और अपने नाम के आगे हमने लगाया हुआ है क्या, बीके, बीके माना ब्रह्मा कुमार, तो नाम की ही हमें लाज रखनी है। ब्रह्मा कुमार माना ब्रह्मा जैसे, ठीक है, एक एक गुण ले लो ब्रह्मा का। अब ये वाली बात हमने इतनी पक्की की है, अब जो भी बातें आती हैं, मन को सिखा दिया, अब मन अपने आप जवाब देता है। वो घटना मुझे हमेशा याद आती, जब भी कोई बात होगी, कि जब वो 350 का भोजन बनना था, 11 बजे कुछ नहीं था, ना कुछ आने की उम्मीद थी, ना वो रिक्वेस्ट कर रहा था, ना कहीं मांगने जा रहा था, फिर भी निश्चय में स्थित था, वो मेरा पिता था। जब वो इतना निश्चय वाला हो सकता है, तो मैं उसकी संतान कैसी? क्रोध भी हमने ऐसे ही छोड़ा, कि जब मेरे पिता ने एक अमृत वेला की बात है, 2:30 बजे की कोई बात जीवन में हो गई, थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, व्यर्थ चल रहा था, 2:30 बजे बाबा से बात की, तो सवेरे सवेरे बहुत अच्छी टचिंग आती है, तो एक टचिंग आई कि बाबा ने मेरी कितनी गलतियां माफ़ की, बोलो। अगर एक डायरी लेकर के एक गलती के लिए एक बिंदी लगाओ, डॉट, दूसरी गलती, तीसरी गलती, चौथी गलती, तो कितनी डायरियां भर जाएंगी? कितनी गलतियां की हैं, कितनी अवज्ञाएं की हैं, किए कि नहीं की? अच्छा, इतनी अवज्ञाएं करके भी बाबा के सामने जब जाते हैं, तो बाबा की दृष्टि बदली होती है क्या? नहीं ना, वैसी की वैसी दृष्टि, बाप के रूप में दृष्टि नहीं बदलती उसकी। तो मेरे को ये विचार आया कि मेरी इतनी गलतियां बाबा ने माफ़ की, और मैं तो एक हूँ, और हम बीके तो फिर भी चलो बड़े पाप नहीं करते, लेकिन अज्ञानी लोग तो एक से एक कुकर्म कर रहे हैं। 850 करोड़ लोग हैं, इतने लोगों, इतनी आत्माओं के सारे पाप को क्षमा करना, एक बड़े से बड़ा पाप करके भी कोई अगर भगवान के दर पे आ जाए, तो उसकी दृष्टि बदलती है क्या? हाँ जी। और हम किसी को थोड़ा सा गलत करते देख लें, हमारे लिए नहीं किया, वो किया भी किसी और के लिए, सिर्फ देख लिया, तो भी क्या होता? तो भी संकल्प आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते। तो उस दिन ये डीप बात समझ में आई, तो वो जो अंदर व्यर्थ चल रहा था, तो फिर मैंने बाबा को प्रतिज्ञा की,
कि यदि आज के बाद कुछ भी हो जाए और अगर मैं क्षमा के सागर की संतान, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, चाहे कोई गला काटने के लिए भी क्यों ना आ जाए, चाहे हमारे लिए कोई कुछ भी कर ले, फिर भी अगर मैं उस आत्मा को क्षमा नहीं कर पाऊँ तो मैं तुम्हारी संतान नहीं। बाबा से बात की और वो दिन इतना पावर मिली, उसके बाद बिल्कुल क्रोध, आवेश, जोश, शांति का मार्ग दिखने लग गया। पहले लगता था ये चीज़ें कहीं ज़रूरी है, थोड़ा बहुत तेज बोलना ज़रूरी है, लेकिन नहीं। उसके बाद और उससे विजय इतनी ज़्यादा हुई और हो रही है और होनी ही है। तो जो भी ज्ञान हम सुन रहे हैं अभी थोड़ा दिल में जा रहा है, ठीक है, ज्ञान को सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं रखो, एक एक पॉइंट को लेके अंदर लेके जाओ, आज ही बदलाव आ जाएगा। चलो अभी बैठेंगे 10 मिनट, सीधे होके बैठो। अब सभी अपना अपना बाबा से कम्युनिकेशन करेंगे, देवता सभी ने बनना है, फरिश्ता सभी ने बनना है, हिसाब किताब भी सभी के चल रहे हैं, पर आप देखो आपने क्या करना है। हिसाब किताबों में मन बुद्धि को फंसाए रखना है या अपने लक्ष्य पर फोकस करके बस अब फरिश्ता बनने की उड़ान लगानी है। बाबा मददगार है, हम बार बार याद करा रहे हैं आपको, जो आप भूल जाते हो या भूलने की संभावना है, आपके हर श्रेष्ठ संकल्प के साथ भगवान की मदद है। इसलिए ये मत सोचना कि कैसे होगा, ये आपका काम नहीं, आप केवल वो संकल्प रचो जो भगवान कहता है। उसने कहा बच्चे सब कर्म बंधन काट कर फरिश्ता बन जाओ, आप बस फरिश्ता बनने की लगन लगाओ। चलो 10 मिनट संकल्प करो अब किस किस चीज़ से मुक्त होना है, ऐसी अंदर से एक अग्नि पैदा करो कि वो आपके संकल्प की अग्नि में भस्म हो जाए, वर्षों जो नहीं हुआ वो आज करके दिखाओ। हल्का सा म्यूजिक चला देना और 5 मिनट बाद टोटल साइलेंस कर देना। जैसे जैसे साइलेंस में जाएंगे भगवान की आवाज़ सुनाई देगी, क्या चाहता है वो हमसे, क्या उम्मीदें हैं उसकी हमसे, क्या मैं उसकी उम्मीदों को पूरा कर रही हूँ। के साथ मीठी मीठी रू रिहान करते हुए संपूर्ण बनने की अग्नि अपने अंदर जलाओ। कितना वर्ष इस धरती पर और रहना है, सूक्ष्म लोक में 54 साल से वो इंतजार कर रहा केवल हमारे लिए, मेरे लिए, उसे कितना और इंतजार कराना है।
खुद को ज्ञान चिता पर बिठा दो। जैसे प्रहलाद भगत को गोद में लेकर माया बैठ गई, माया भस्म हो गई और सच्चा प्रहलाद बच गया, तुम भी योग अग्नि में बैठ जाओ। माया को भस्म कर दो। अब संपूर्ण पावन बनने की घड़ी आ गई है। महसूस कीजिए इस योग अग्नि में मैं पावन होती जा रही। हृदय की गहराई से परिवर्तन की ज्वाला जलती महसूस करें। जब तुम्हारा मन हवन कुंड बनेगा, इसी हवन कुंड की अग्नि से तुम्हारा देव स्वरूप प्रकट होगा। योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ, परिवर्तन की सच्ची अग्नि जलाओ। अब मुझे
बदलना ही है। कोई भी रावण की शक्ति अब मुझे परिवर्तन से रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरा साथी सर्वशक्तिवान है। महसूस कीजिए, सर्वशक्तिवान को याद रखोगे, कोई तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। कंबाइंड हो जाओ, अपने भीतर की अग्नि को महसूस कर सकते हो। यज्ञ की अग्नि बुझनी न पाए, राक्षसों ने लाख कोशिश की, पर यज्ञ की अग्नि को बुझा न पाए। आज वो परिवर्तन ज्वाला आरंभ करो जिसे कोई बुझा ना पाए। तुम्हारे इस यज्ञ का रक्षक स्वयं भगवान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह पर चिंतन सब कुछ स्वाहा कर दो। पवित्र आत्मा बनकर निकलना है इस भट्टी से। अपनी अग्नि फील करो। थोड़ी लगी अग्नि, जली? हाँ जी, ये अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। शास्त्रों में भी दिखाया है, जब भी यज्ञ रचा जाता था तो राक्षस आते थे, उसमें कचरा डालते थे, उसे बुझाने का प्रयत्न करते थे। आप भी जब ये यज्ञ जलाते, अब आप खुद समझ लो राक्षस कौन है, खुद समझ जाइए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का ये संसार आपके यज्ञ को बुझाता है। लेकिन यज्ञ का नियम होता है अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। रामायण में आपने देखा होगा श्री राम और लक्ष्मण को
यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा गया था। हमारा रक्षक कौन? भगवान स्वयं। इसलिए इस अग्नि को बुझने न दो, मध्यम भी नहीं होने देना। चलते चलते मध्यम हो जाती है, हम लक्ष्य भूल जाते हैं, वक्त भूल जाते हैं, समय की आवाज़, कुछ आवाज़ें होती हैं जो सुननी बहुत ज़रूरी है। वक्त की आवाज़ नंबर एक। वक्त तेज चल रहा कि हम तेज चल रहे? बोलो। अभी जवाब तो ठीक दिया, लेकिन क्या इसके अनुसार चल रहे? तो क्या बोलेंगे, सोए हुए कि जगे हुए? यह है निंद्रा का दूसरा रूप। बाबा ने कहा बहुत रॉयल निंद्रा होती है। अगर हमें ये पता है कि वक्त बहुत थोड़ा है, फिर भी हम ढीले चल रहे, तो आधे जगे हैं। संपूर्ण सोए हो तो नहीं बोलेंगे, आधे जगे हैं, संपूर्ण जागृति नहीं। शंकर जी का नेत्र दिखाते हैं ना, जब तक वो ऐसे ऐसे करता है तो ठीक ठाक है, लेकिन जब पूरा खुल जाता है तो विनाश होता है। हमारा भी तीसरा नेत्र पूरी तरह से खुलना चाहिए, यानी वक्त का एक्यूरेट हिसाब आपको कैच करना है। अभी तो बोल दिया कि वक्त तेज चल रहा है, चेकिंग तो कर ली एक सेकंड में, पर उसके अनुसार चलने की ऊर्जा नहीं पैदा कर पा रहे। तो एक है वक्त की आवाज़, उसको सुनने का अभ्यास करना है और रेगुलर सुनना है उसको, चलते फिरते उठते बैठते। बाबा ने इसके कई इंडिकेशन दिए हैं। और हम क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण ज़्यादातर बोल भी रहे हैं कि वक्त बहुत, बोल भी रहे हैं। देखो निंद्रा कैसी है, कैसी अजब ये निंद्रा। व्हाट्सएप पर मैसेज भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी कोरोना आया ना, कोरोना में कितने मैसेज, बाबा ने ये मुरलियों में पहले बताया हुआ है, ये बाबा की फलानी मुरली प्रत्यक्ष हुई, मैसेज भेज रहे हैं। अब जो बाबा की मुरली के महावाक्य को पहचान कर अभी भी व्हाट्सएप में बिजी है, क्या वो जगह किस हो रहा है? भले वो मैसेज क्या भेज रहा है, देखो बाबा की बात हो रही है। निंद्रा बड़ी सूक्ष्म है, इसलिए जागृत करो, वक्त की आवाज़ सुनो, चलते फिरते भी पहले बैठ के सुनो, आराम से कैच करो वक्त कितना है। बैठो दो मिनट, सीधे हो जाओ, वक्त कितना है, खुद से बात करो, मेरे पास वक्त कितना है। क्या दुनिया की तरह मौत में मरना है, धर्मराज की सजाएं खानी है? गर्दन हिलाओ, नहीं तो सोचो, कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना। जागृति किसे कहते हैं उसका उदाहरण देखो। एक मिनट खड़े हो जाओ। ये बहन आई है बेंगलोर से, 22 अप्रैल 2020 को, ये क्या लेक्चर, क्या प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर में, सारा दिन जॉब पर ही रहते हैं, लेकिन 3 साल हो गए हैं 22 अप्रैल 2020 से। मुझे याद नहीं कि इसने कभी 2 बजे वाला अमृत वेला ना किया हो। ताली बजाओ इसके लिए। 2 बजे रोज 2:45 ओम शांति रिंकू वर्मा, इसका नाम देख लेना यूट्यूब पर, कभी भी सबसे पहले जागती है। बहुत कम कभी ऐसा हुआ होगा, लेकिन वरना कैसे मिलती इतनी तीव्र पुरुषार्थ की शक्ति, कहाँ से मिलती है? हाँ, बाबा से इतना कनेक्ट रहते हैं लगातार। ऐसे बहुत सी आत्माएं हैं, फिर चेंज होता है, वंडर होते हैं फिर उनके लाइफ में। बैठ जाओ। Thank you.
तो बैठ जाओ। हर सेकंड पे बाबा याद रखना है, हर सेकंड हर श्वास पर बाबा ही हर चीज के पीछे है। तो पहला है वक्त की आवाज़, बैठो सीधे होके। अब केवल वक्त की आवाज़ सुननी है, लाइट चेंज करो, वक्त क्या चल रहा है। ऐसे जब हम खुद से बात करते हैं ना तो हमारा सबकॉन्शियस कैच करने लगता है। ये सिर्फ दिमाग को पता नहीं होना चाहिए, दिमाग को तो पता है आपके, ये हृदय को पता लगना चाहिए वक्त क्या चल रहा है, क्या मैं वक्त के अनुसार चल रही हूँ। बात करो अपने आप से बार बार, जगाओ सोवे मन को, जगाओ हे मेरे मन वक्त क्या चल रहा है। सिर्फ जवाब दे के फ्री नहीं हो जाओ कि वक्त तेज चल रहा है, इसका मतलब धर्मराज के डंडे खाने के हकदार बनेंगे अगर सिर्फ ऊपर से जवाब देंगे। पर अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पूछो दो मिनट अपने आप से, वक्त की आवाज़ सुनो, नज़र घुमाओ पूरे विश्व की तरफ, देखो चारों तरफ क्या चल रहा है, वक्त की आवाज़ सुनाई देगी आपको। कोरोना आके चला गया, नींद ख़त्म नहीं कर पाया, नहीं ख़त्म कर पाया, नहीं जगा पाया, फिर भी सो रहे, इतना भयंकर समय देख लिया। टर्की में भूकंप आ गया, हमें नहीं लगता कि हमारे पास भी आ जाएगा, सोए पड़े हम सब। वक्त की आवाज़ सुनो, यदि सच्चाई के साथ ये अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर सोया हुआ कुंभकर्ण जागेगा। पूछो बार बार, बार बार पूछो, क्या कह रही वक्त के इशारे, क्या कह रहे, वक्त की आवाज़ को हृदय तक जाने दें, दिल को महसूस करने दें, ड्रामा की घड़ी क्या कह रही। भगवान का साकार पाठ खत्म हुआ, फिर दूसरा साकार पाठ भी खत्म हुआ। भगवान धरती से चला गया, ध्यान से देखो वक्त की घड़ी को, भगवान धरती से चला गया है, अब वो कभी नीचे नहीं आएगा, केवल उसका थोड़ा सा पार्ट सूक्ष्म लोक में बाकी है, अब वो धरती पर तुमसे मिलने साकार में नहीं आएगा। यज्ञ के सारे आधार स्तंभ चले गए, अपनी एडवांस यात्रा पर चले गए, उनमें से हर कोई वक्त की घंटी था, उनका जाना यानी अंतिम वक्त नज़दीक आना। क्या कह रहा है वक्त,
सृष्टि चक्र की घड़ी से बात किया करो रोज। चलिए अगली आवाज सुनेंगे अभी, भगवान की आवाज। सूक्ष्म लोक चले जाओ, अब सूक्ष्म लोक चले जाओ जहाँ बाप दादा तुम्हारा स्वागत कर रहे। दो मिनट बाबा से भी पूछ कर देख लो, बाबा, मीठे बाबा, क्या मैं सही पुरुषार्थ कर रही हूँ? मुझे और क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? सुनो बाबा क्या कहता है। टिकी हुई मन बुद्धि से सुनेंगे तो आवाज स्पष्ट सुनाई देगी। एकाग्र करो और सुनो भगवान क्या कह रहा है। चलिए चेंज करें, वापस आ जाओ। हमेशा ये अभ्यास करना है, हर घड़ी चलते फिरते उठते बैठते अगर ये अभ्यास होगा किसी से नहीं टकराओगे, क्योंकि उसे फ्लाइट पकड़नी या नहीं पकड़नी वो जाने, उसे फरिश्ता बनना नहीं बनना वो जाने। आपके लौकिक रिश्तेदारों को फरिश्ता बनना क्या है उनके प्रोग्राम में? फिर तुम क्यों चिपके जा रहे हो उनमें? अगर जिनका प्रोग्राम अभी धरती छोड़ने का नहीं और तुम उसमें चिपके जा रहे, तुम कैसे फरिश्ता बन? कोई बेटे के मुंह में, कोई किसी दूसरे के मुंह में, कोई किसी की चिंता में, कोई व्यर्थ में। बाबा कहते हैं डाल छोड़ो तो छूटे। हमने पकड़ा हुआ कि उन्होंने पकड़ा हुआ? हमने पकड़ा हुआ है, हम ही नहीं छोड़ रहे। बाबा पूरा जोर लगा रहा पर हम ही पकड़े बैठे, हम ही नहीं छोड़ रहे। हम अपने को संकल्प ही नहीं दे रहे कि मुझे फरिश्ता बनना है। देख लो दिन में कितना याद आता है, बहुत कम याद आता है। चर्चा ही नहीं है ब्राह्मणों की इस बात पे, फरिश्ता बनना है, कर्म बंधन मुक्त होना है, कर्मातीत बनना है। क्या कहा सृष्टि चक्र की घड़ी ने? क्या कहा? बात हुई थोड़ी सी? हाँ जी बोलो, क्या कहा? समय, हाँ, और आगे भी बोलेगी वो। जब आप बैठोगे ना देखोगे, जब कोर्स किया था वो इन्होंने बताया था जैसे कि 12 बजने में 5 मिनट रह गए हैं ऐसे। अब वो नहीं रहा, कांटा कांटे पे आ गया। वो 12 बजने में 5 मिनट वाला तो फोटो पुराना है, अभी कांटा कांटे पे आ गया। एनी टाइम परिवर्तन,
बाबा ने कहा अचानक एक दिन पहले भी नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने तो डिसाइड किया हुआ है कि वो एक दिन अभी आने वाला नहीं, अभी तो 10-15 साल और, क्यों लिख लो कुछ आवाज़ें ऐसी जो सुना करो, दो तो अभी बताई, एक वक्त की आवाज़, तीव्र पुरुषार्थ करना है ये बहुत ज़रूरी है। अगर ड्राइवर घड़ी की तरफ ना देखे तो वो समय पे मंजिल पे पहुँचेगा नहीं पहुँच सकता, क्योंकि फिर वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा कि मुझे कितनी गति से जाना, तो उसकी गति धीमी ही होगी, वो एक्यूरेट टाइम पर पहुँच नहीं पाएगा। जो समय की घड़ी को नहीं देखते और लक्ष्य को नहीं देखते कि संगम का मकसद क्या है, फरिश्ता बनना, बाबा हमें कर्म बंधन मुक्त बनाने आया है, लेकिन अगर पूछें अपने आप से क्या मेरा पुरुषार्थ कर्मातीत बनने का पूरी गति से चल रहा है, गर्दन हिला के बता दो। इसका कारण वही है, ये आवाज़ें ठीक से सुन नहीं रहे हम। वो जागृत क्यों हुई? क्योंकि ये सुना 3 साल पहले, उसके बाद सोए नहीं। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कोरोना आए या जाए, या आगे कोरोना का बाप आए या भाई आए, हमें कोरोना के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करना। हमें, हम लोग तो उससे पहले कर रहे थे, पहले 1 बजे का योग करते थे हम लोग, लेकिन बंद नहीं किया। 3,000 में से 1,000 आत्माएँ अभी भी हैं जो रेगुलर करते हैं, जो जाग गए हैं, जिन्होंने सुन ली है आवाज़, फिर वो सो नहीं सकते। हमें सोना नहीं है, खुद को जगा के रखना है, ठीक है? तो एक आवाज़ हो गई वक्त की आवाज़, एक आवाज़ है अपने अंतर मन की आवाज़, टॉकिंग टू योर सेल्फ ट्रूथफुली, खुद खुद से पूरी सच्चाई से बात कर। हम जब बात करते हैं हमारे संकल्पों में मिक्सचैरिटी होती है, थोड़ी मनमत की, थोड़ी परमत की, थोड़ा श्रीमत होता है, तो एक नई मत बन जाती है, खिचड़ी मत। बस वो खिचड़ी मत की सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा रिश्तेदारों की भी सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने मन के संस्कारों की पुरानों की, फिर थोड़ा श्रीमत की भी। सच्चाई से अपने मन से बात करना, आपका अंतर मन, इसका भी अभी अभ्यास कराएंगे। अंतर मन इतना प्योर है अभी भी, क्योंकि हम ही तो वो आत्माएं हैं जो देवता थे, लेकिन वो जो अंदर सोया हुआ देवता है उसके साथ हम बात नहीं कर पाते, वहाँ तक जाने ही नहीं देते बात को, बीच बीच में से ही वापस लौट आते हैं। अगर आप खुद से भी पूछो क्या मैं ठीक चल रही हूँ, क्या जवाब आता है ना? पर अभी हम सिर्फ जवाब देके साइड हो जाते हैं। और ये तो मैंने पूछ लिया इसलिए जवाब दिया। ये रोज़ अपने आप से पूछो कि मैं ठीक नहीं चल रही हूँ, तो फिर ठीक होने का संकल्प आए, हम पूछते ही नहीं है। हमें तो लगता है हम ठीक चल रहे हैं, सवेरे अमृत वेला आधा पौना घंटा जैसा भी योग कर लिया, फिर मुरली सुन ली, दिन भर में जो भी किया नुमा शाम कर लिया, बोले हम तो ठीक चल रहे हैं, पवित्रता में हम तो। इतने से थोड़ी हो जाएगा संपूर्ण बनना, हिसाब किताब कट रहे या बढ़ रहे चेक करके देखना, अभी भी विकर्म बन रहे कि नहीं बन रहे, सावधानी माइक्रोस्कोप से देखो, संबंधों में अभी भी विकर्म बन रहे कि नहीं बन रहे, मेजॉरिटी के, सभी के नहीं, जिनको समझ आ गई ना उनके नहीं। अगर मेरे मन में किसी के लिए व्यर्थ चल रहा तो सुकर्म बन रहा कि विकर्म बन रहा? देखो अब बन रहे कि नहीं बन रहे, अब पहले गर्दन नहीं हिली थी, अब समझाया तो पता, व्यर्थ भी चल रहा है विकर्म बन रहा है, और उसका 100 गुना लग रहा है, मल्टीप्लाइड 100 times पाप लग रहा है, क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद कर रहे हो।
तो सोचो कितने विकर्म अब भी जुड़ रहे हैं, इसलिए तो उड़ नहीं पा रहे ना। नहीं तो भगवान को पाकर उड़ना चाहिए कि नहीं उड़ना चाहिए? उड़ नहीं पा रहे, बीच बीच में उड़ते हैं। कहते हैं पिछले महीने बड़ा अच्छा योग लगा था, मधुबन गए ना, वहाँ योग आ गए, मतलब भगवान की शक्ति मधुबन में ही मिली। हर घड़ी होना चाहिए। तो अंतर मन की आवाज़, उससे अगली है ये अगली। जब ये तीन आवाज़ें सुन पाएगा जो, आगे वाली तो उसके काम की है, संसार की दुखी आत्माओं की आवाज़। जो खुद की आवाज़ नहीं सुन पा रहा वो दुखी आत्माओं की क्या सुनेगा? दुखी आत्माओं की आवाज़, भटकती हुई आत्माओं की आवाज़। ये मुरली में आता है, भटकती आत्माएं भी शांति मांग रही। संसार की हर आत्मा दुखी जो शरीरों में है वो तुम्हारा आह्वान कर रही है, इष्ट देव जागो। इष्ट देव खुद सोए पड़े तो क्या? अगली आवाज़ पांचों तत्वों की आवाज़, प्रकृति के तत्व भी बात करते बाबा से कि हम तो तैयार हैं, करें क्या विनाश, रिहर्सल तो दिखा रहे हैं। फिर एक आवाज़ एडवांस पार्टी की आवाज़, बाबा के पास आती है एडवांस पार्टी, कहती बाबा कब तैयार होंगे ये? बाबा से बातचीत चलती ना, लेकिन हम तैयार नहीं हो रहे। लेकिन क्या ये ड्रामा हमारा इंतज़ार करेगा? बाबा हमें साथ लेके जाएगा क्या? ज़रूरी है, अगर हम डीले चलेंगे तो क्या साथ लेके जाएगा? उसने वायदा किया है सबको साथ लेके जाऊंगा। कहीं ने तो ये भी अलबेलेपन में बना लिया, बोले जाना तो उसने साथ लेके, तो इसलिए जब मैं जाऊंगी तभी तो जाएगा वो भी। उल्टा कर दिया उसको कि जब मैं तैयार होंगी तब वो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेके सबको जाएगा, वो क्यों नहीं याद आता? चाहे प्यार से, हाँ, चाहे डंडे की मार से। और शिव की बारात में कौन कौन थे? हाँ जी, भूत प्रेत याद आया, गिरने वाले याद नहीं आए? सभी थे, देवी देवता भी थे, लेकिन लास्ट बीच में लंगड़े लूले भी थे। अब जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे वो उड़ के जाएंगे कि लंगड़ा के जाएंगे? हाँ, घसीट के लेके तो जाऊंगा सभी को, शिव की बारात में रहेगा कोई नहीं। अब आप सोचो आज की कंडीशन में अगर भगवान आज डिसाइड कर ले, यानी वक्त का आज पलटी हो जाए, तो आप कौन सा में आएंगे? हाँ, उड़ के जाने वालों का हो गया पुरुषार्थ, ऐसे बोल के राजी होना बंद कर दो, ठीक है? अभी लंगड़े लुल्ले में है सारे, क्योंकि कुछ धारणाएं तो की है अच्छी। तो आज भट्टी का मतलब ये होता है कि हमें परिवर्तन होना है, ये आग लगनी चाहिए। अच्छा, ये जो आवाज़ें बताई, एक आवाज़ इनसे और भी है, वो है दुनिया की आवाज़। अब बताओ सबसे ज़्यादा क्या सुनाई देती है? यस, ये गड़बड़ है, जो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। आई समझ में गलती क्या हो रही है? आप मुंडी हिली कहीं होगी बड़ी बड़ी, जो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। क्या हमें दुनिया की आवाज़ सुननी? दुनिया माना मनमत, परमत, परमत सुननी है क्या? परमत की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुननी है। बाबा कहते लोक लाज की चिंता मत करो, श्रीमत की चिंता करो, श्रीमत पर चलना है। लेकिन ये बाकी की आवाज़ें हमको ले जाती फरिश्ता की तरफ, लेकिन सबसे ज़्यादा हम सुनते दुनिया की, आस पड़ोस वालों की, इसकी, बस वो गड़बड़ हो जाता है। आज से क्या आप चेंज करेंगे? अच्छा, आपका जो बेड़ा पार है वो कौन करेगी? कहीं कहते नहीं, रिश्तेदारों की सुननी तो पड़ती। क्या कहते, सुननी चाहिए रिश्तेदारों की? जो बात श्रीमत अनुसार है वो, अगर बाबा ने तो रिश्तेदारों में कैसे रहना वो भी तो बताया है ना,
गृहस्थ व्यवहार में कैसे रहना है ये बाबा ने बताया, उसकी श्रीमत अनुसार गृहस्थ में रहना है, पर बाबा की सुन के रहना, लोगों की सुन के नहीं रहना। इसलिए बाबा कहता केवल एक की सुनो और किसी की नहीं। हर बात पे ये चेक करो क्या मैं भगवान की सुन रही हूँ। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, समझ में आई ये बात? जब ये आप करेंगे तो आपके अंदर से आएगी अविनाशी उमंग उत्साह आएगा आपके अंदर, फिर कोई उसको ठंडा नहीं कर पाएगा, कभी उमंग उत्साह आपका डाउन नहीं होगा। चलो और बैठेंगे 10 मिनट, अब इतना समझा, चेक किया, अब चेंज करेंगे। ठीक है, 5 मिनट चलाकर फिर साइलेंस कर देना। अब डीप अंदर चिंतन में चले जाओ, नींद में नहीं, चिंतन में, आंखें खोल के ही बैठो, वो बात हम चिंतन करो, सुनो वक्त की सुनो। अगर लगता है कि मैं इष्ट देव वाली आत्मा हूँ तो सुनो, भगत पुकार रहे आपके बाहर, सुन सको तो सुनना, पर वो तभी होगा जब आप पहली दूसरी और तीसरी आवाज़ सुनेंगे। यदि भगवान की सही आवाज़ सुनोगे, जगोगे, तब इष्ट देव बनोगे, तभी मंदिर बनेंगे आपके, जब आप मूर्ति बनोगे, बिना मूर्ति के मंदिर नहीं बनते। ध्यान से सुनो आवाजें और अपने अंदर से पुरुषार्थ की तीव्र अग्नि को जलाओ, उस अग्नि में सब भस्म हो जाएगा। रामायण में भी सीता जब रावण के घर से आई तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, तुम रावण की नगरी से आई हो, इस अग्नि परीक्षा में पास हो जाओगे तो शुद्ध सीता बाहर निकलेगी जो राम के घर चलेगी। ऐसा पावन करना है, इस योग को ऐसा ज्वाला स्वरूप बनाओ, ऐसी इसमें अग्नि लाओ, ठंडे होके नहीं बैठो, परिवर्तन नहीं हुआ करते ठंडे संकल्पों से। सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, तुम्हारे पास शक्तियों की कमी नहीं है, भंडार खुले हैं भगवान के तुम्हारे लिए। हनुमान अपनी शक्तियां भूल गया था, कमजोर हो गया था, अर्जुन सत्य का ज्ञान भूल गया था, वो भी क्षीण हो गया था। जब जब तुम सत्य का ज्ञान भूलोगे, तुम उसी अर्जुन की तरह हथियार डाल दोगे। फिर से स्वयं को जागृत करो, सत्य ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। 18 अध्याय पूरे हो चुके हैं, उठो, धनुष उठाओ, युद्ध करो।
हे आत्मा, आज दृढ़ प्रतिज्ञा करो अपने आप से, अज्ञान निद्रा में सोया है ये संसार, इसके प्रभाव से खुद को बचाओ। प्रतिज्ञा करो, आज के बाद सोऊंगी नहीं, सदा ज्ञान की जागृति में रहूंगी, विनाशी संसार मेरे लिए असार है, मेरा संसार तो बाबा का प्यार है। भगवान ने हमें जगाया है, सावधान, अब तुम्हें कोई सुला ना पाए, अपने आप से प्रतिज्ञा करो। आज से तपस्या की अग्नि को निरंतर रखूंगी मैं आत्मा, स्वयं से वायदा करो। सृष्टि चक्र की घड़ी को और परमात्म श्रीमत को निरंतर याद रखूंगी, प्रतिज्ञा करो। याद करो, जब इस सृष्टि नाटक मंच पर आई थी, तुम बिल्कुल अकेली आई थी,
संपूर्ण पवित्र स्वरूप में आई थी। अब वापिस लौटने की घड़ी आ गई है। इस संसार से जो कुछ लिया था यहीं पर वापिस करके जाना है। हे आत्मा, तुम्हें सबका हिसाब चुकाना है। जब तक संपूर्ण पावन नहीं बनोगे, सबका हिसाब नहीं चुकाओगे, ये देह की दुनिया तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। योग से नहीं काटोगे तो भोगना पड़ेगा, निश्चय कर लो। योग से भी कर्म काटने या भोग से काटने, अपने आप से बात करो। अकेली आई थी, अकेले जाना है। इस तरह से न्यारे हो जाओ संसार से, जैसे मक्खन में बाल होता है, जैसे कीचड़ में कमल होता है। कहीं भी चिपको नहीं, जब कढ़ाई में कुछ तैयार हो जाता तो किनारे छोड़ देता है। तुम भले इस संसार में थोड़े समय और हो, पर किनारे छोड़ दो। देह और देह के संबंधों के ममत्व को तोड़ दो। संसार से बेहद के वैरागी साक्षी होकर पाठ बजाना सीख लो। अब धुन लगा लो, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। चलिए चेंज करें।
नाइट चेंज कर दो। सत्य और असत्य चिंतन का सही अंतर पता होना चाहिए। अभी कैसा लगा? अंदर से ऊर्जा पैदा हुई, यानी चिंतन सत्य था। अगर ऊर्जा ही नहीं बन रही तो समझो मिक्सचर है। मनमत और परमत यदि श्रीमत में मिक्स करोगे, एनर्जी नहीं बनेगी, वर्षों तक नहीं बनती, वर्षों वाले बैठे भी नहीं बनेगी। जितना कमाया उतना खाया, जितनी धारणाएं कर रहे हैं उससे कुछ कमाई तो हो रही, बस रोज कमा लेते रोज खा लेते। बैंक बैलेंस चेक करो, बैंक बैलेंस जमा नहीं होता। यदि छोटी सी बात डिस्टर्ब कर देती तो बैलेंस कितना, बस अपने गुजारे लायक है ना। तो ये जमा करना है और अपार जमा करना है, और उसके लिए एक्यूरेट श्रीमत के अनुसार चिंतन, सत्य क्या है असत्य क्या है। बिल्कुल असत्य को सत्य में मिक्स नहीं करो। एक बूंद जहर 100 लीटर दूध होगा तो क्या हो जाएगा? असत्य मिक्स नहीं करना है। ये संसार असार है, स्वीकार करना है। मुरली यही कहती है, ये संसार असार है, आत्मा केवल यहाँ मेहमान है, ये शरीर केवल एक मकान है, अब इसका मालिक भगवान है, ये दुनिया शमशान है, मेरा घर परम धाम है, यह सत्य। लेकिन जहाँ हम कॉन्शियसनेस में रोल कॉन्शियस होकर के पार्ट प्ले करते, कभी माँ बन जाते, कभी पत्नी बन जाते, कहीं भाई बन जाते, कहीं दूसरे संबंध, वो चेतना चेंज करो। अभी सोल कॉन्शियस, सभी के साथ सोल कॉन्शियस, और सब का हिसाब किताब चुकतु हो रहा है। ये जो रिलेशन भी है, सब हिसाब किताब, अंतिम हिसाब सबसे चुकाने। ब्रह्मा बाबा को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद बाबा की फैमिली भी थी। चलो ट्रैफिक कंट्रोल बजा दो, 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। बाबा की चेतना क्या थी? ट्रैफिक कंट्रोल में खुद चिंतन करो। बाबा की फैमिली भी थी यज्ञ में, युगल भी थी, बेटे की बहू थी, पहले तो बेटा भी था है ना, बेटी निर्मल शांता आदि फैमिली तो थी। बाबा की दृष्टि अपनी फैमिली के लिए, और फिर जो दूसरे की फैमिलियों से आए थे उनकी दृष्टि कैसी थी, जरा फील करो, तब आपको पता लगे कि कैसे रहना है परिवारों के अंदर। रोल कॉन्शियस नहीं, मैं माँ हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, सोल कॉन्शियस, हर कोई आत्मा है। ट्रैफिक कंट्रोल पर जाएंगे।
किस किस को फरिश्ता बनना है, हाथ उठाएंगे। फाइनल प्रोग्राम यानी दुनिया से फाइनल ट्रांसफर, दोबारा हाथ उठाओ। पक्का बताएं फिर ट्रांसफर की विधि क्या क्या करना पड़ेगा। अब खोल लो नोटबुक, ये पॉइंट्स लिखे जाते हैं जो याद करने हो, अभी तक भूले हुए वो नोट करो, फिर इसको याद कर लेना। लंबे समय तक सिर्फ डायरियों में नहीं लिखने, जल्दी से स्मृति में आ जाए, पक्का कर लेना। अभी जो हमारा ट्रांसफ़र है ये फाइनल ट्रांसफ़र है। मानो आपने ठान लिया दिल्ली से हमको यूके में जाके सेट होना है, मान लीजिए। अब दिल्ली में क्या करोगे फिर? हाँ जी, हाँ समेटेंगे पहले, ठीक है। और जिसका हिसाब रहा होगा उसका हिसाब चुकाएंगे, आपकी तरफ होगा तो लेंगे, देना होगा तो देंगे, ठीक है, सच्चाई से। अब इस दुनिया से फाइनल ट्रांसफ़र है यानी फरिश्ता बनना है, तो यहाँ हिसाब चुकाने कि नहीं, ठीक है। नंबर एक लिखो, अच्छा अब जो यहाँ से यूके जाना है, क्या दिल्ली में नया फ्रिज खरीदोगे? यूके जाके ही खरीदेंगे, यही होता है ना, वहीं खरीदेंगे नए हिसाब किताब नहीं बनाने। नंबर एक, नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं, अच्छी तरह समझ लीजिए इसको। ना शब्दों से, शब्दों से कैसे बनते हैं? किसी ने किसी की बात सुनाई, आपने मुंडी हिलाई, हाँ जी कर दिया, हिसाब आप भी बन गया, आपका भी बन गया। मानो एक ने दूसरे की बात आपको सुनाई आके, और आपने उसमें उसको सपोर्ट कर दिया, तो क्या बना इस मुंडी हिलाने का भी पाप बना कि नहीं बना? बंध रहे हैं कि मुक्त हो रहे हैं? बंध रहे हैं, ट्रांसफ़र नहीं होगा आपका। जब तक इसका भी पाप चुकाओगे नहीं, ये किसी न किसी रूप में आएगा, आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा, योग में भ्रमित करेगा, आपका योग तोड़ेगा, आपकी बुद्धि को विचलित करेगा, ये मुंडी वाला भी पाप आपको हिलाएगा। जैसे आप सड़क पर आ रहे हैं, रास्ते में कोई झगड़ रहे हैं, और आपने दो मिनट उसको बड़ी लगन से देख लिया, झगड़ा देख लिया, सिर्फ बोला कुछ नहीं, आकर के योग में बैठे, क्या होगा? पहले वो पाप का हिसाब चुकाओगे तभी परम धाम जाओगे। तो इसलिए अंडरलाइन करो, घर परिवारों में सब जगह किसी से नया हिसाब नहीं बनाना है, ना शब्दों से, ना दृष्टि से, ना संकल्पों से, अंदर भी नहीं सोचना है। अगर ये फाइनल कर लिया ना कि मेरा फाइनल ट्रांसफ़र है, आपको विकर्म होने बंद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि संकल्प व्यर्थ खत्म हो जाएगा। अब हमें इतना अभ्यास किया है, याद आ जाता है। मानो किसी के लिए ऐसे थोड़ा भी आदत के अनुसार 63 जन्मों के थोड़ा भी चला, सिर्फ चलने लगा है, उसी सेकंड ये जो अभ्यास किया है ये याद करा देता है, हिसाब बन रहा है तेरा, तू फंसेगी आत्मा, बस वहीं से रिटर्न हो जाते, ज़्यादा दूर नहीं जाता मन, क्योंकि ये पक्का किया हुआ है, नया हिसाब नहीं बनाना है। और अच्छी तरह समझ लो, संकल्प में भी हिसाब बनता है, ये मत सोचो अंदर सोच लिया तो कुछ नहीं, मन के घोड़े को ऐसे फ्री नहीं छोड़ो। नया हिसाब नहीं बनाना, ना लौकिक में, कईयों ने लौकिक का छोड़ दिया, अलौकिक में बना लिए, यहाँ भी नहीं, किसी के बारे में व्यर्थ नहीं, ठीक है। नंबर दो, अब पिछला जो बाकी है, पिछले वाला जल्दी से जल्दी चुकाना है, जल्दी से जल्दी। अब चुक तू करना है, 50 साल का प्रोग्राम बना के नहीं रखो, जल्दी से जल्दी चुकाना है। दुनिया में भी जो समझदार होता है, जल्दी ऋण चुकाना होता है तो क्या करता है वो,
ऋण चुकाने के लिए क्या चाहिए? कमाई चाहिए। अब अगर आपके पास कमाई नहीं है तो ऋण कैसे चुकाओगे? मेजॉरिटी के ऋण इसलिए नहीं चुक रहे क्योंकि कमाई नहीं कर रहे। जितने 63 जन्मों के और इस जन्म के किए हुए पाप का ऋण है, क्या उस हिसाब से कमाई कर रहे हैं रोज? बोलो। हाँ जी, इसलिए खाते में कम है। इसलिए वो बताया ना, बहन बेटी जागृति लाओ, अमृत वेला को अच्छे बनाओ। नंबर एक, 2 बजे नहीं कर सकते, करना तो चाहिए, अभी इतना विकर्म है करना चाहिए। चलो 2 नहीं कर सकते, 3 तो करो, ठीक है? कहीं तो 4 भी नहीं करते होंगे अच्छी तरह से। जो कहते 4 वाला भी अभी अच्छा नहीं हो रहा ढंग से, सच्चाई से हाथ उठाओ, सच्चाई से उठाओ उठाओ उठाओ, देखो कितनों का तो 4 वाला भी ठीक नहीं हो रहा है। तो आप पहले 4 वाला ठीक करो, क्योंकि कमाई नहीं करोगे तो ऋण चुकेगा नहीं। फिर 10-15 साल ज्ञान में होने के बाद फिर 10-15 साल का बोझ चढ़ जाएगा कि कुछ किया नहीं। जिस बच्चे ने 10वीं तक पढ़ाई नहीं की, 11वीं 12वीं में क्या नंबर आएंगे? ठीक है, इसलिए कमाई करनी है। उसके लिए सहयोग लो, संगठन का सहयोग लो, खुद जागृति में आओ। YouTube पर भी आजकल मिलता है, तो उन्होंने YouTube से सीखा। कितने हैं YouTube पर? अभी पीछे ही बैठे हैं वो, हाथ उठाओ जो YouTube से करके। माता जी आए, कहाँ से आए? करोल बाग से आई है ये, इन्होंने YouTube से सीखा। ठीक है, आपका थोड़ा होगा हिसाब किताब, इसलिए कभी कभी करते हैं, कभी कभी करते हैं। ये भी तो निंद्रा है, रेगुलर क्यों नहीं करते? ब्रह्मा बाबा भी कभी कभी करता था 2 बजे योग, ऐसा मम्मा कभी कभी करती होगी। सोचो तो सही, किसका टाइटल आगे लगाया हुआ है? बीके फलाना, बीके फलानी। ठीक है, कमाई करोगे तभी हिसाब चुकेंगे। नया हिसाब नहीं बनाना है, पुराना काटना है, और उसके लिए कमाई करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। बेहद के वैराग्य का अभ्यास करना है, मृत्यु के नज़दीक, अभी मृत्यु माना अंतिम समय के नज़दीक बेहद के वैरागी होके रहना है। किसी में इतना अभ्यास करो रिंचक भी कहीं रग ना रहे, थोड़ा भी। अभी तो चेक करेंगे, बहुतों में रग मिलेगी। ठीक है, और उसके लिए सोल कॉन्शियस, जैसे बताया 2 वीक पहले मुरली आई थी कि आँखें भी मत देखो, कहाँ देखो? मस्तक में देखो, हर किसी को आत्मा देखो। ये मेरा बेटा है, ये वाली चेतना ख़त्म कर दो। मैं किसी की मम्मी हूँ, मैं किसी का पापा हूँ, ये चेतना विकर्म कराती है। ठीक है, इससे विकर्म होंगे, मम्मी हूँ पापा हूँ, ये किसकी चेतना है? देह भान की चेतना। पालना का कार्य है, बिना मैं मम्मी हूँ ये सोचे बिना कर सकते कि नहीं कर सकते? लक्ष्मी जी भी अपने बच्चों को पालती थी, क्या वो सोचती थी मैं मम्मी हूँ? उनके अंदर मम्मी वाली चेतना थी, ये मेरे युगल हैं। नारायण को सोचती थी ये मेरे युगल हैं, चेतना थी। थोड़ा इस पर स्टडी करना। ब्रह्मा बाबा अपनी बच्ची जो साकार बच्ची थी, और दादी जानकी, या उनके प्रति दृष्टिकोण क्या था उनका? एक जैसा बिल्कुल। वो भी आत्मा, वो भी आत्मा। आप देखो क्या आपके संबंधों में ये वाली दृष्टि हो गई? इस पे काम करो, ये अंडरलाइन करो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विकर्म होने का मूल कारण देह भान है। विकर्म होगा ही होगा यदि देह का भान होगा। पक्का करना है, पहला पाठ ही कच्चा है अभी हमारा। पहले पाठ पर बहुत जोर देना है, बार बार। बाबा ने भी लिख लिख के भी किया, और अभी पिछले 2 वीक तो यही चला बाबा का, बस आत्मा देखो, आत्मा देखो, आत्मा देखो। तो अब ये पक्का कर लो, किसी के भी यहाँ नैनों से नीचे देखना ही नहीं, ऊपर देखना है। अभ्यास डालोगे तो हो जाएगा, क्योंकि सत्य यही है। इस पूरे संसार में
जो भी आंखों से दिखता है सब असत्य है, सबसे होने वाली प्राप्ति विनाशी है। इसलिए गीता में कहा है, अर्जुन जो कुछ इन आंखों से देखते हो ये सब विनाशी है, नाश होने वाला है। आप भी देख लीजिए, जो आंखों से दिख रहा है, जो ये चमड़ी की आंखें देखती है, उससे क्या मिलेगा, सत्य प्राप्ति या असत्य प्राप्ति? हाँ जी, असत्य प्राप्ति। सत्य की यात्रा कहाँ से शुरू होती? मस्तक, मस्तक से, क्योंकि सत्य आत्मा यहाँ रहती, यहीं से, इसके नीचे और इसे सब असत्य है। इसलिए सभी से अपने मन बुद्धि को डिटैच कर लो, ठीक है। और डिटैच करके पार्ट बहुत अच्छा प्ले करेंगे, केवल पहले अभ्यास करो सोल कॉन्शियस का। अकेली आई थी, अकेले जाना है, तो किसी से चिपके रहोगे तो फरिश्ता बन पाएंगे नहीं। अब घर जाना है, इसकी धुन लगाओ, नेक्स्ट पॉइंट, ये धुन लगा लो बस, अब घर जाना है। हमने 3 साल पहले जब चैनल शुरू किया, नाम ही क्या है, कहीं जानते हैं क्या नाम है चैनल का? मन में यही आया कि नाम भी वो हो कि हम इस नाम से बाहर जा ही ना पाए। फाइनल डेस्टिनेशन, अंतिम यात्रा, अंतिम मंजिल। और आप 3 साल की एक भी क्लास उठा के देख लो, कोई भी उठा लो, कभी की भी, लक्ष्य से बाहर कोई क्लास नहीं मिलेगी। जो अटेंड करते हैं वो जानते हैं, लक्ष्य से बाहर जाना ही नहीं है। हमारे साथ मधुबन में भी कोई बात कर ही नहीं सकता, केवल लक्ष्य के अलावा कोई बात नहीं कर सकता हमारे साथ, क्योंकि पक्का कर लिया हमने, इससे बाहर सोचना ही नहीं है, क्योंकि समय कम है। जब टाइम कम हो तो ड्राइवर की कहाँ रहती निगाह? लक्ष्य पर रहती, अपने गोल पर। गोल भूलना नहीं है, अब घर जाना है, जीना नहीं जाना है। बाबा आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, अब घर जाना है। इसका लिख लिख के भी अभ्यास करो, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे अब घर जाना है, सिमटते चले जाओगे, जो विस्तार फैले हैं। सोच के देखो कितनी आत्माओं में आपके संकल्प उलझे हैं, उलझे कि नहीं उलझे? कितनों की अच्छाई में उलझे, कितनों की बुराई में उलझे, किसी के मोह में उलझे हैं और किसी की नफरत में उलझे हैं, कितने संकल्प उलझे हैं। सबसे मुक्ति, जीवन मुक्त अवस्था, हल्के हो जाना है। और इसमें 4 कैप्सूल क्या बताए? बोलो, बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, बाबा सब संभालेगा, मैं बाबा की हो गई। कुछ भी बात जीवन में आती है, कुछ भी आती है, भले बता देना, एक दो पूछ लेना समाधान, कुछ भी बात आती है आपको सिर्फ यही बोलना है, बाबा बैठा। आपको टेंशन नहीं लेनी किसी बात की। बाबा ने कहा 100% बोझ मुझे दे दो, ये बाबा के माँ बाप के। जैसे छोटा बच्चा जब कुछ नहीं उठा पाता है तो वो कहता मम्मी ले लो, पापा ले लो, तुम सिर पे क्यों उठाते हो? जब नहीं संभलता कोई बोझ, जब भारी करता है कोई बोझ, क्या बोलेंगे? बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। आपका कोई वो नहीं, बिल्कुल हल्के, हम तो डबल लाइट रहते हैं अभी, कुछ भी हो जाए चाहे, अभ्यास इतना कर लिया है, बिल्कुल हल्के, कुछ भी हो जाए, क्योंकि इतनी बार मन को पढ़ा दिए, हल्के बिल्कुल, आपको खुद ही लगे मैं फरिश्ता हूँ, बस ये शरीर छोड़ना है, मन से फरिश्ते, शरीर छोड़ना बाकी है बस। और जब ये हिसाब चुका दोगे फिर लास्ट में शरीर का हिसाब चुकाना पड़ेगा, फरिश्ता ऐसे नहीं बन पाएंगे। एक और सीख, डीप बात बता दें कि दुनिया के जितने हिसाब 63 जन्मों के, वो ज़्यादा बड़े हैं कि शरीर का हिसाब बड़ा है? शरीर का हिसाब बड़ा है उससे। दुनिया छोड़ना आसान है, संबंधों को भी तोड़ना आसान है ना? शरीर में थोड़ी सी परेशानी हो जाए, मानो आपके दांत में दर्द हो गया, ठीक है हाँ,
और आपका पोता आके गोदी में बैठ जाए, क्या करोगे? एनर्जी कहाँ जाएगी? क्या उस दिन प्यार से सहला पाओगे उसको? क्योंकि ऊर्जा कौन खींच रहा है? शरीर खींच रहा है। और जब इसका हिसाब शुरू होगा तो इसलिए अशरीर स्थिति का अभ्यास लिख लो, ये भी 10 बार रोज अशरीर स्थिति का अभ्यास जरूर करना है। और मनसा सेवा का अभ्यास भी 5 बार 5-5 मिनट के लिए। ऐसे प्लानिंग करेंगे पूरे दिन की, फाइनल डेस्टिनेशन पर ये 24 घंटा प्लानिंग की हुई है, चलता ही रहता है उसमें। जब भी समय है बैठ जाओ। अशरीरी 1 सेकंड में कैसे होना है, 5-7 मिनट हमारे पास है, 1 सेकंड में अशरीरी कैसे होना है उसके लिए जो पूरा ज्ञान मिला है अभी अभी जो बताया आपको, कि इन आँखों से जो भी दिख रहा है ये सब विनाशी है, ये क्लियर है? ठीक है, जो आपको प्राप्ति विनाशी करनी है या अविनाशी? अविनाशी। तो 1 सेकंड में खुद को संकल्प देना है कि ये सब विनाशी है, यानी सबसे समेट लेना है 1 सेकंड में। और बाबा की एक मुरली है 81 की, उस मुरली में बाबा ने बताया अशरीरी बनने की विधि, और स्मृति से 1 सेकंड में शमशान घाट चले जाओ। फील करो इसको, 1 सेकंड में जब भी अशरीरी बनना है शमशान घाट चले जाओ, उस जगह से आगे तुम्हारे साथ केवल बाबा के अलावा कोई नहीं जा सकता। उसके आगे 2 बिंदी से आगे कुछ दिख ही नहीं सकता है, बाकी सब लौट आएंगे, फूक करके वापस आ जाएंगे। इसलिए अशरीरी बनने के लिए शमशान घाट स्मृति से चले जाओ। चलो बैठो 1 मिनट के लिए 1 सेकंड में। अब शमशान घाट से पीछे सब क्या है? विनाशी, सब विनाशी है। और ये अभ्यास हम कर रहे अविनाशी प्राप्ति के लिए, इसलिए पीछे आने का संकल्प नहीं, बस आगे देखना है। शमशान घाट में ये शरीर भी भस्म हो गया, राख हो गया, केवल बिंदी रह गई, मैं बिंदी, मेरा मीत बाबा बिंदी। पहुंच जाओ, एक सेकंड में पहुंच जाओ, पूरे ज्ञान को समेट लो 1 सेकंड में, बिंदी बन जाओ। मैं आत्मा बिंदी, मेरा पिता परमात्मा बिंदी, बस उसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब विनाशी है। याद भी आए तो भी भुला दो। ये है 1 सेकंड में अशरीरी होने का अभ्यास। 1 सेकंड में सबको समेट के बिंदी बन जाना। अच्छा लगा? आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से सुना। आप क्या करेंगे आज के बाद? और क्या करेंगे बोलो। ठीक है, चलो। ओम शांति। दीदी जी का भी धन्यवाद, दीदी जी के लिए ताली बजाओ, इतना अच्छा अवसर दिया। आप सभी टीवी सवेरे भी और अभी भी बहुत लगन से सुना, अपने लिए ताली बजाओ। अच्छा, थके तो नहीं?
सत्य ज्ञान कभी थकाता नहीं, कभी अगर वो विधि सत्य है कभी थकाएगा नहीं, हमेशा हल्के रहो, ऊर्जा मिलती रहती। ठीक है, थैंक यू, ओम शांति, थैंक यू। मतलब इस बात से मेरे को ये लगता है इनका मरने का प्रोग्राम है ही नहीं, मरने का प्रोग्राम ही नहीं है, मेरी तो कल की गारंटी नहीं। ठीक है, पक्का कर लो हर घड़ी, और अगर ड्रामा अनुसार उसमें स्नेह में बल है वो ड्रामा में खुद हो जाता है, नहीं तो बने हुए प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाते। ठीक है, हाँ, चलो ओम शांति।